फ्रेंड ही होंगे नहीं जी भाइयों भाइयों कहना शुरू करने आज तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल तबस्सुम व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। मैं अरबाज भाई शफाकत भाई आज जा रहे हैं पत्तों की कितने किलोमीटर हो गए यहाँ पत्तों की जो है वो यहाँ से तकरीबन 75 किलोमीटर है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं ताकि गर्मी से पहले पहले हम पत्तों की पहुँच चलें। वहाँ पे हमारा एक कज़न है, हम उसको सरप्राइज देंगे। फ्रेंड जो है अभी हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद और यहाँ पर ना जैसा कि आपको पता है हम सुबह 5 बजे निकले थे यहाँ कसूर से और ना हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो अभी जो है यहाँ से बेकरी से कुछ लेके नाश्ता वगैरह करते हैं, जूस और केक वगैरह, और उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ से हमारा मैक्सिमम अभी ना 30-40 किलोमीटर भी पड़ा हुआ है और इलाहाबाद से अभी हम आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक मेन हिंट था हमारे सफ़र का कि आपके रास्ते में दो इकट्ठी नहरें आएंगी। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक नहर है, इसके आगे एक पहाड़ी है वो जो नज़र आ रही है आपको, और उससे आगे जो है एक और नहर है। दो इकट्ठी बिल्कुल नहरें हैं, इसका भी मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और हमारे पीछे जो है वहाँ पर नलके लगे हुए हैं, लाइन के मुताबिक 3-4 नलके इकट्ठे हैं और उसका जो पानी है वो बहुत ठंडा होता है। वहाँ से अभी हम पानी पिएंगे और हाथ धोएंगे, फिर आपको नहर का व्यू दिखाएंगे। ये दो इकट्ठी बिल्कुल नहरें हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बिल्कुल पहाड़ियाँ जैसी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसकी साइडों पे, देख सकते हैं बहुत बड़ी नहर है। अभी जो है हम नलके पर चलते हैं, वहाँ से हाथ धोते हैं, मुँह धोते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा और थके भी बहुत पे हैं। सूरज जो है निकलना शुरू हो गया अब। जी तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारा सफ़र जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हुआ है और अभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, वकास भाई के घर पहुंच चुके हैं जिनको अली दराग के नाम से जाना जाता है सोशल मीडिया और फेसबुक के। और अभी उसके पास थोड़ा स्टे करेंगे हम और फिर उनके साथ ही हम निकलेंगे उनके खेतों को। और उनके जो खेत हैं काफ़ी अच्छे, उनके खेतों में गुलाब के बाग हैं और उसके अलावा तरह तरह के जो हैं पौधे उन्होंने लगाए हुए हैं वो आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो फ्रेंड्स हम जो है पहुंच चुके हैं वकास भाई की सल्तनत पे और ये अभी हमें जो अपनी सल्तनत दिखाएंगे गुलाब के फूलों के और गुलाब के फूलों के भी खेत हैं। और इसके अलावा ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा इनकी जगह है, पानी भी छोड़ा हुआ है इन्होंने खेतों को। चलें भाई हमें दिखाएं जरा। ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो पौधा है ये तंबाकू का पौधा है और इस वक्त हम जो है गुलाब के फूलों का जो है ना बाग, यहाँ पर गुलाब के फूल लगे हुए उसमें है
और कसम से जो है बहुत ही जो अपने कपड़े जो है समेट के हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और कपड़ा जो अपने जो कपड़े होते हैं वो फट सकते हैं, इसीलिए बहुत एहतियात से हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे। पीछे मेरे आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, ऐसे जैसे जंगल में हम घुस चुके हैं। इसके आगे अभी जंगल भी आना है, अभी जंगल को पार करके हमने एक मज़ार पे भी जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो मुश्किल घड़ी थी गुलाब के फूलों की, ये हमने कर ली है पार। बशफाकत अंदर घुस चुके हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास करके स्नेक और उसके अलावा जो जंगली मुर्गियाँ, जंगली कवे, चकोरे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ख़तरनाक भी होते हैं। अभी जो है हम मज़ार पे पहुँच चुके हैं, भाई विकास और लोग और बशफाकत लोग पहले ही पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, मज़ार पे जो है दुआ वगैरह हमने कर ली है और अभी जो है हम आगे निकलने लगे हैं, आगे के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। अब ये हमारे रास्ते के आगे जो है ना दरख्त गिरा हुआ है, अब इसके ऊपर से हमने गुजर के जाना है। शफाकत भाई जो हैं वो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, वो आगे देख रहे होंगे। पीछे मेरे जो हैं ये सब्जियां लगी हुई हैं, फूल वगैरह लगे हुए हैं और बिल्कुल वीराना है यहाँ पे, कोई भी बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है और चारों तरफ जो है ना जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत ही डरावना सीन है, डरावना जिसे कहते हैं, डर लगता है बंदे को यहाँ पे। यानी कि अगर अकेला बंदा यहाँ पे आए ना तो मुझे नहीं यकीन आता कि वो यहाँ पे सर्वाइवल कर पाएगा, यहाँ से गुजर पाएगा, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक सा सीन है यहाँ पे। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, देखें ना चारों तरफ जो है बांस के दरख्त हैं और उसके अलावा दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पे। बार बार डर लगता है मुझे कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं मेरे आगे आ गया, और कोई थोड़ी सी भी हरकत होती है ना तो मुझे डर लगता है कि ये क्या हो गया, कुछ आ तो नहीं गया। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना, ये जो है ये पाम का पौधा है, पाम का पौधा, आम का नहीं पाम का। ये देख फुल तेज़ हवा चल रही है और ऊपर से जंगल से गुजर रहे हैं और ऊपर से हवा तेज़ और शां शां हो रही चारों तरफ, डर बहुत लग रहा है मुझे।
से एक और गुलाब का जो है ना बाग आ गया, गुलाब के पौधों का। इधर ज़्यादातर जो है ना गुलाब के पौधे हैं, और वैसे ही जो है ना वो जहाज सी जो है टिड्डी दल उसे कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, वो फिर से उड़ रही हैं। टेम्पो पूंड ड्राइव उसका नाम होता है, वो फिर से उड़ रही हैं। आज लगता है कि बारिश आएगी यहाँ पे, और यहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तंबाकू का पौधे लगे हुए हैं, जो कि सिगरेट में भी बनता है, हुक्के वगैरह में पीते हैं लोग। सिगरेट का तो आपको पता ही है कि सिगरेट के अंदर जो है ना जो तंबाकू होता है ये उसके पौधे हैं। और अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ क्लोजअप, ये किस तरह बन रहा है और ये किस तरह की जो है इसके फूल वगैरह हैं, और उसके बाद कैसे तंबाकू बन। फ्रेंड्स, जो हमारे इलाके में ना ज़्यादातर लोग जो हैं वो सब्जियां वगैरह बोते हैं खेतों में, पालक होगी और उसके अलावा जो भी सब्जियां वगैरह हैं, ज़्यादातर सब्जियां और गन्ने वगैरह होते हैं, चावल की फसल होती है। लेकिन ये जो इलाका है इसमें तकरीबन जितने भी खेत देखे हैं ना, ज़्यादातर नर्सरी के खेत हैं, उसके अलावा बाँस का, उसके अलावा तम्बाकू वगैरह। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये खट्टी माल्टे टाइप होती है, इतनी सी ग्रीन कलर की होती है, जिसको आप फ्रूट चाट में भी निचोड़ के देते हैं ना, वो होती है। ये पूरा खेत उसका, पूरा का पूरा खेत। और इस तरह के बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों के खेत हैं जिनका मैंने अभी तक देखा नहीं है, और ना ही मुझे यकीन है इस बात का कि आपने भी वो नहीं देखा होगा। तो आपके भाई ने आपको वो दिखाया, आपने तंबाकू का भी दिखाया, और इसके अलावा ये खट्टी का पौधा है, इसके अलावा बहुत से और भी पौधे ऐसे ऐसे हैं जो कि शायद आपने ना देखे हों, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, और व्यू भी यहाँ का ना बहुत प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है और मेरे बाल बिल्कुल फुल ही जो है हवा में ना झलक रहे हैं, और परिंदे चहचहा रहे हैं। और जाते वक्त अभी जो है बैशाखत वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं और फिर आगे निकलते हैं कि आगे जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। फ्रेंड्स, ये जो खेत है ये पूरा गुलाब के फूलों का खेत है, गुलाब के फूल लगे हुए हैं और हर तरह के लगे हुए हैं, येलो रेड हर तरह के जो हैं खेत लगे हुए हैं, और बहुत ही दूर तक ये खेत फैला हुआ है। जी तो फ्रेंड्स, एक बात मैंने नोटिस की है कि ये जो एरिया है ना पत्तों की वाली साइड का, ये एरिया पूरे एरिया में जगह 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 पे जो है ना ये राइस मिल रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह पे राइस मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइस मिल रहे हैं, और फैक्ट्री एरिया जो है बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये बहुत वीराना सा इलाका है, यहाँ का आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, सड़कें वीरान हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल और खुले खुले मैदान हैं।